नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु लक्ष्मी प्रिया, आपण मानक मु ओडिया चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज आम मैंने बनैवा देशी चिकेन करी, ताहा भी पुणी हांडी मध्यरे, एवं एहाकु बिल्कुल गाँ शैली रे एहाकु बनैवा। जदि आपण मानको मो रेसिपिटी भल लगे तबे मो चैनल को लाइक करिबे, शेयर करिबे एवं सब्सक्राइब मध्य करिनेबे। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिनेबे, जहाँफल कि मोर प्रतिदिन वीडियो नोटिफिकेशन आपण बहुत जल्दी पहुँची पार। नॉर्मल चिकेन ठारु देसी चिकेन टी खाइबा को बहुत टेस्टी लगे, एवं एहाकु हांडी रे कले एहार स्वाद टी दुई गुण बढ़ी जाए। जेहेतु नॉर्मल चिकेन ठारु देसी चिकेन टी सिझिबा को टिके टाइम लगे, हांडी रे कले एहा बहुत जल्दी सिझि जाए। तो मोठी अढ़े किचे गोटे चिकेन नेछि, देखंतु एहाकु गरम पानी रे बुड़ेकी भलसे क्लीन करि नेउछि। आपण चाहिले एहाकु दुकान रु मते डायरेक्ट किणि पारिबे काटिकी, नहले जदि घर को आनी तो ये प्रोसेस रे गरम पानी रे बुड़े की क्लीन करके यहाँ ये प्रोसेस रे काटि नै पारंती। मुझे भले से काटि नेबी, को क्लीन भाव रे धोई नेबी। एबे थिरे गोटे चम्मच हल्दी गुंड, गोटे चम्मच लुण एवं हाफ चम्मच लंका गुंड आड कर नेबी, एवं दुई चम्मच सोरस तेल मु आड करनेबी। ए कम तेल ही यूज करी, कारण ए देसी चिकेन तो ए घी बाहर, तो यह भलेसे गोले कि मैरिनेट करे अध घंटा पाई, यह कभर करके छाड़देवि। चारोटी प्याज काटी, दुईटी आलू काटि, अदा रसुण पेस्ट, दुईटी बड़ टमाटर काटि, स्वाद अनुसार लुण, हाफ चम्मच लंका गुंड, गरम मसाला, चिकन मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एवं हल्दी गुंड मेटी नहीं। गैस ऑन करके गोटे हांडी को गरम होगा छाड़नेबी। एवं आम हांडी गरम हो गला, सोरस तेल आड करनेबी, काटिकी रखी आलू को भलसे भाजनेबी। देखते एवं आम आलू हो गला, तो मैं यह काढ़ी ने आलू को काढ़ी नेलापर एवं से ही तेल में मुझे काटिकी रखी प्याज को आड करनेबी, यह गोल्डन ब्राउन होगा पर्यटन भाजनेबी। देखते एवं आम प्याज गोल्डन ब्राउन हो गला, तो मैं ये हाफ चमच हलदी गुंड एवं आड करनेबी। एबे मु गोटे चम्मच काश्मीर लाल मिर्च पाउडर आड करनेबी, एहाकु भलसे मिक्स करनेबी। एबे गोटे चम्मच धनिया पाउडर, गोटे चम्मच जीरा पाउडर आड करनेबी, एहाकु भलसे मिक्स करनेबी। काटिके रखी टमाटर को एथरे आड करनेबी, दुईटी टमाटर काटिके रखी थी बड़ा साइज रा आड करके एको भला से मिक्स करनेबी। एबे मैं कभर करनेबी, कभर करके पांच मिनट कुक होगा को छाड़नेबी। एबे पांच मिनट हो गला, आम टमाटर भलसे कुक हो जाइछि। देखंतु एथरे मैं एबे अदा रसुण पेस्ट आड करनेबी, तो ये मुझे तीन चमच अदा रसुण पेस्ट आड करुच्ची। रसुण पेस्ट को मुझे पांच रु सात मिनिट पर्यंत भलसे कसी ने, देखो पांच रु सात मिनिट हो गला, मैरिनेट कर रखी चिकेन को मधे आड करने। चिकेन को आम आड करके पखापाखि अध घंटा पर्यंत यह भलसे मीडियम फ्लेम कसी ने। तो चिकेन को आम जिते पर्यंत कसिबा तो तरकारीर टेस्ट बहुत भल आसिबो। जदि आम अध घंटा पर्यंत कसी नेबा तरकारी बहुत स्वादिष्ट लागिबो, जिते कसिबा अधिक सेते स्वादिष्ट लागिबो। तो मैं यहाँ अध घंटा पर्यंत भलसे कसी नेबी। देखंतु एबे कसी सारिलानी, एतरे मु एबे स्वाद अनुसार लुण आड करनेउछि। देखंतु वर्तमान मो चिकेन टी भलसे कसी होलानी, देखंतु तेल गुड़िक केमती बाहर को बाहरी गलानी। मुझे एवं
ନେବି। ସମୟରେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରି ନେଉଛି। ଆଡ୍ କରି ନେଲା ପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେବି ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି କଷି ନେବି। ଯେପରି ଆଳୁ ମଧ୍ୟରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଯିବ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଏହାକୁ ଏବେ କୁକ୍ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ର ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରେଭି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଏବେ କଭର୍ କରିକି ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋର ଗ୍ରେଭିଟି ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବି ଏବଂ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଗ୍ରେଭି ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଗ୍ରେଭିକୁ କମ୍ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ୍ କରି, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।